डे 38, एक्चुअली इसे डे नहीं नाइट 38 बोलना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि सारी अच्छी प्यारी प्यारी बातें तो रात को ही होती है। रात मुझे इसलिए पसंद है ना, क्योंकि रात को मुझे बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, बहुत मेरा दिमाग ऐसे बहुत ऐसे क्रिएटिव मोड में चला जाता है। मैंने एक बार कहीं तो पढ़ा था कि रात एक समय नहीं है, रात एक स्पेस है जिसमें आप जाते हो। वो लाइन हमेशा के लिए मेरे साथ रह गई। और दूसरी बहुत प्यारी बात जो है रात की, रात में बहुत सुकून है। मतलब अभी रात में मुझे सोचना नहीं है कि अभी कितना टाइम हुआ है, 10 बजे होंगे, 11 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, एक भी बज जाएगा तो थोड़ी सी नींद ऊपर नीचे होगी। मुझे कहीं से निकलना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। सुबह थोड़ा सा बार बार आपको टाइम का ट्रैक रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से दिमाग मेरा तो आधा उधर ही ब्लॉक हो जाता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग नाइट पर्सन हैं, कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होंगे। सुबह भी बहुत अच्छी होती है, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। खाली बस वही, क्योंकि सुबह सब रूटीन में शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको भी वो रूटीन में शुरू करना है, और इस वजह से जब खाली वाला टाइम होता है ना, वो मिस आउट हो जाता है। और मुझे खाली वाला टाइम बहुत पसंद है। मतलब बातें करना और बातें हुई भी नहीं, वो बहुत पसंद है। मतलब आप काम कर भी रहे हो बट आप नहीं कर रहे एक्चुअली, मतलब काम नहीं कर रहे बट एक्चुअली काम हो रहा है। तो हाँ, ऐसा मुझे नहीं पता क्या समझे आप। मुझे कुछ भी चीज़ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अब वो पेंटिंग हो या ये ऑडियो हो, ये वीडियो हो, या सिर्फ गाना गाना हो, डांस करना हो, खेलना हो। मतलब जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस वे में इन्वॉल्व हो, मतलब जहाँ पे आपका दिमाग कॉन्शियसली काम नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें ना मैजिक क्रिएट करती है। और वो मैजिक का फीलिंग ही अलग है। मुझे नहीं पता कि कितनी बार आप लोग ऐसे किसी ने कुक कर रहे हो और कुछ ऐसे बनाते बनाते बहुत अच्छा बन जाता है, जब आप ऐसे अपने धुन में बनाते हो तब, बट अगर आप उसको काम की तरह बनाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मुझे कोई भी चीज़ एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं पसंद। इसलिए ये सारे जो पेंटिंग्स हैं वो भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिसमें मैं अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट कर रही हूँ, और वो और ब्रश के बीच में एक कनेक्शन है जिसे के सपनों के और रंगों के बीच में कनेक्शन होता है। अब तुम उसे लॉजिकली सोचोगे तो सपनों में कलर्स नहीं आते, पर लॉजिकल नहीं सोचना, हमेशा क्यों सोचना है लॉजिकल, नहीं सोचना मुझे। और मुझे उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगता है जिनके साथ मुझे ज़्यादा लॉजिक ना लगाना पड़े। पर जब भी मैंने ऐसा किया है बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, तो इसलिए अब डर लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज मेरे एक दोस्त ने ना बहुत अच्छी बात बताई। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 1-2 साल के बच्चे, जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो उनको नहीं पता कैसे चलते हैं, उनको पता नहीं, बस वो देख रहे हैं आप लोगों को चलते हुए, घूमते हुए,
धीरे धीरे जब वो ऐसे पहले बैठना शुरू करते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं, उसमें वो गिर जाते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो कोशिश करते करते चलने लगते हैं। बट अपने इस बात की बहुत ब्यूटीफुल और बात ऑब्जर्व की हो, वो बच्चा हार नहीं मानता। वो इतना छोटू सा बच्चा जिसको भी मतलब जो फर्स्ट स्टेप ले रहा है सिर्फ चलने का, वो हार नहीं मान रहा। तो आप कैसे हार मान जाते हो यार? कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें गलत हो जाती है, आपकी तरह से नहीं होती, तो आप लगे रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्रिएट करते रहो, मैजिक हो जाएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके सो जाते हैं। बहुत सारे सपने देखो, सुबह सारे सपने पूरे करो और बहुत सारा मैजिक क्रिएट करो। और मुझे ज़रूर बताना अगर आपने कोई मैजिक क्रिएट किया हो तो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।